अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि हमारे मनी प्लांट बोतलों में नहीं लगते, ख़राब हो जाते हैं। आज मैं कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी कि बहुत अच्छे से मनी प्लांट लगेंगे, ग्रो करेंगे और इनकी रूट्स भी बहुत ज़्यादा बनेंगी। इस तरह से बोतलों को मैं यहाँ से कट कर लूँगी सेंटर से। इस तरह से दोनों बोतलों को कट कर लूँगी। गर्म छुरी से एक सेकंड में कट जाती है। इनकी ढक्कन को भी इस तरह से स्क्रॉप कर लेना है। बोतल को इस तरह से मैंने कट कर लिया है और ढक्कन को भी इस तरह से काट लिया है। अब इसके लिए मैं मनी प्लांट की कटिंग लूंगी जिसमें लगा सकूं। इसके लिए कोई टैनिंग कार्ड में जो लगा सकूं उसमें। ये देख रहे हैं मेरा मनी प्लांट, इसमें से ऐसी टाइमिंग सेलेक्ट करूंगी जो उसमें लगा सकूं। ये टैनी मैंने इसके लिए सेलेक्ट की है। इसके पत्ते नीचे से कट करने पड़ेंगे क्योंकि ये इसका पानी नहीं था। उनका जो हिस्सा इसका पानी में रहेगा उसके पत्ते मैंने कट कर दिए हैं। इसके ये पहले से भी रूट्स निकल रही हैं, इनमें से आगे मजीद रूट्स और निकलना शुरू हो जाएंगी। इसका कैप लगा लेंगे इस तरह से और इसको इस तरह से मैं इस कैप में से गुजार के मैं बोतल में लगाऊंगी। जिन लोगों के मनी प्लांट खराब हो जाते हैं, बिल्कुल बोतल में ग्रो नहीं करते हैं, ये उन लोगों के लिए है। कभी भी खराब नहीं होगा, ना फंगस लगेगा और बहुत ज़्यादा ये फले फूलेगा। ये हम पानी में भी लगाएंगे और मिट्टी में भी, ताकि दोनों तरफ से ये तवनाई ले सके, पानी से भी और मिट्टी से भी। इसमें यहाँ पे मैं कुछ पत्थर डाल दूंगी जैसे गमले में डालते हैं। ये देखने में भी खूबसूरत लगेंगे और इसको सपोर्ट भी देंगे। ये मेरे पास कुछ मिट्टी है, ये मिट्टी और कंपोस्ट मिक्स है, ये मैं इसमें ऐड करूंगी। इसके ऊपर ही ये मिट्टी डाल देंगे, इसको मिट्टी से भी तवनाई मिलेगी और पानी से भी, और ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब इसके नीचे वाले हिस्से में पानी भर देंगे। पानी को बहुत ज़्यादा नहीं भरना, इससे फिर इसमें फंगस लगने का खतरा होता है। ये दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है और इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा बनेंगी और इसमें फंगस भी नहीं लगेगा। अगर इसको फर्टिलाइज़र देना हो तो केले डिप करके पानी में उसका जब लिक्विड बन जाए वो इसमें थोड़ा थोड़ा सा डाल सकते हैं। जल्दी छिलके डिप करके रखते हैं पानी में 4-5 दिन, उनके बाद उसका जो पानी होता है उसमें सारी गजाइयत आ चुकी होती है, वो बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है। और इसको मैं ऐसी जगह पे रखूँगी जहाँ पे रोशनी पड़ रही हो। इसको मैं सबसे बेस्ट इसके लिए खिड़कियों के सामने वाली जगह होती है, वहाँ ये बहुत ज़्यादा फलते फूलते हैं, रूट्स भी बहुत ज़्यादा बनती हैं और इनके पत्ते भी बहुत ज़्यादा बनते हैं और टहनियाँ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती हैं। जिन लोगों को शौक़ होता है मनी प्लांट बोतल में ग्रो कराने का, रखने का, डेकोरेशन करने का, इनके लिए सबसे बेस्ट आइडिया ये। और ये देखने में भी बहुत प्यारा लग रहा है, पीछे इसके पत्थर नज़र आ रहे हैं ऊपर इसकी मिट्टी नज़र आ रही है। हम इसकी जगह पे रख के दिखाती हूँ। ये खिड़की है, पहले भी मैंने मनी प्लांट जा रखे हुए हैं, इतने बड़े हो चुके हैं, यहाँ से खिड़की से इनको रोशनी मिलती है जो इनके लिए बहुत अच्छी है। इसमें ये बहुत खुश रहते हैं और बहुत बढ़ते हैं।